कलयुग का एक लक्षण है प्रभु जी कि पिता पुत्र की अर्थी उठाएगा। ये किसका लक्षण है? ये कलयुग का लक्षण है। ये पैसे पैसे का इंपॉर्टेंस किसने बताया उनको बताओ? तो हम भगवान का इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते कि भगवान को सुबह जाएगा एग्जाम जाता है ना तो वहाँ ढोक दे के जाएगा, एग्जाम उनको देना है। अब उसके नंबर अच्छे नहीं आते, बदमाश ने खुद पढ़ाई नहीं करी और गाली किसको देता है प्रभु जी? भगवान। माता पिता को यूज़ किया जाता है कि सेवा करी जाती है? बताओ मुझे, सच बताओ। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो हिल जाओगे आप। वानप्रस्थ और संन्यास में तो बच्चों से अलग हो जाता है व्यक्ति। यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं उन सब माता पिताओं को बोल रहा हूँ, आपको लगेगा अपना बच्चा बड़ा अच्छा है, एक बार उसको अध्यात्म में आने के लिए बोलिए, अभी बात ही नहीं मानेगा। अगर अच्छा है तो सारी बात माननी चाहिए, अगर अच्छा है तो सारी बात माननी चाहिए। तो इसलिए भ्रम में मत रहो। अब उसको पिक्चर ले आने की बात करो, उसको कई होटल में ले आने की बात करो, दोनों चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा प्रभु जी? उसका मतलब आप क्या सोच रहे हो किसी तरह से, यार यार इतना तो करता है इसलिए अच्छा है। तो हम तो नहीं करते, हमें तो 100% नंबर चाहिए साहब। राजगोयल प्रभु बता रहे थे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीए क्लियर किया। बताइए हर सीए वाला क्या चाहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करना? हर सीए वाला चाहता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ। तो हम भी 100% कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें? ये कारण क्यों है? अगर वो बच्चा पत्थर ले लेके, ये मेरे साथ हुआ है, मैं पदयात्रा में था तो ये गोवा गया हुआ, तो उस टाइम गोवा से निकली थी पदयात्रा, तो वहाँ एक व्यक्ति से मिला जो कि उधर पेपर का, एक इंग्लिश टॉप पेपर का चीफ एडिटर थे वो। उसके बाद वो फर्स्ट रेजिडेंट एडिटर बने थे गल्फ टाइम्स के दुबई के अंदर, और जो शारजा क्रिकेट बोर्ड है उसका मेंबर थे वो। उनके उनके साथ बात हुई, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो उनके ऐसी बात होकर घर पहुँच गई, उनके घर में बुला लिया उन्होंने मुझे। तो घर पर गए तो बोलते बच्चों करने दो ना जो चाहते हैं। मैं ठीक है, मैं देखा तो लड़की जो थी थोड़ी सी बदमाशी कर रही थी। मैंने कहा कि दोनों लड़कियाँ, मैंने बाहर से पत्थर लेके आया, लेके आई। मैंने कहा देवारिश टीवी के अंदर घुमा कर रोक लिया उसने। मैंने करने दो ना जो करना चाहती है, आप क्यों रोक रहे हो? जब उसका जीवन बर्बाद होने जा रहा है तब तो आप उसको रोकते नहीं। इसीलिए हमारा आप सबसे निवेदन है, उस टाइम जब सिर्फ मारना नहीं है, सिर्फ सख्ती नहीं करनी। एक कुमार जब गीली मिट्टी को एक शेप देता है तो क्या करता है? जब वो घड़ा बनाता है तो क्या करता है? अंदर से सहलाता है, बाहर से मारता है, तब शेप मिलती है, तब शेप मिलती है। ये उन सबों के लिए है जो कि पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं या वुड बी पेरेंट्स हैं, जो कि पेरेंट बनने वाले हैं आपको। और परंतु उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दोगे आप, कितना भी कर लो आप, नहीं आएगा आपके हाथ में। लोग कहते हैं ड्यूटी करो, मैं पूछता हूं ड्यूटी क्यों करो? कहां से पता लगाया कि ड्यूटी करनी है? शास्त्रों से। कहां से प्रभु जी? मैरिज किस पे बेस्ड है? पहले तो रजिस्टर, आज से 100 साल मेरे ग्रैंडफादर तो प्रभु जी रजिस्टर ऑफिस में जाके साइन किया था प्रभु जी। रजिस्टर मैरिज थी क्या? ये फेरों की होती थी सिर्फ है? तो किस पे? हाँ तो किसके किसके आधार पे थे वो फेरे? शास्त्रों के आधार पे थे। आपने शास्त्रों का इस्तेमाल किया वहां तक और फेंक दिया शास्त्रों को, है जी? सॉरी, जो आपने यज्ञ बीच में लगाया था, वेद कहते हैं यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। जब भी पूर्ण आहुति जो यज्ञ की होती है, जो वेदों के अनुसार सही तरह करी जाती है, वो विष्णु को दी जाती है। किसको दी जाती है? विष्णु को। क्योंकि विष्णु को यज्ञ पुरुष बोला गया है। क्या बोला गया? किसी और देवी देवता को नहीं, विष्णु को दी जाती है, क्योंकि परम भगवान वही है, तो यज्ञ पुरुष। अब आपने क्या किया, लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, मैरिड लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, गृहस्थ आश्रम स्टार्ट करने के लिए, तो आपने सेंटर में ले लिया उनको, और फिर आपने क्या किया, उनको पोटलिया बनाई और फेंक दिया। मंदिर कहाँ है? कोने में। कहाँ है प्रभु जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ कोने में होना चाहिए, जीवन के सेंटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटर का मतलब हृदय में, किंतु ये है नहीं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से जो हमारा, और प्रभु जी सब तार्किक है, ये नहीं है कि लोग फॉलो नहीं करते। IITians हैं जो फॉलो कर रहे हैं, वर्ल्ड के टॉप लोग फॉलो कर रहे हैं, पैसे वाले फॉलो कर रहे हैं, PM तक फॉलो कर रहे हैं, ड्राइवर भी फॉलो कर रहे हैं, बीच के बिजनेसमैन भी फॉलो कर रहे हैं, हर प्रकार का व्यक्ति जिसने ये जानने की इच्छा करी वो, उसको मुश्किल नहीं है फॉलो करने में। हाउसवाइफ है वो फॉलो करनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम ये है कि प्रभु जी इंटेंशन क्या है। तू बताना पड़ेगा ना कि जानने योग्य वस्तु क्या है। बच्चों कैसे पता होता है कि प्रभु जी पैसा आना चाहिए, पावर आना चाहिए? किसने बताया बताओ? आप क्यों पढ़े, क्या बोलते थे आप जब बच्चा पढ़ता नहीं था? बताइए पैसे पैसे का इंपॉर्टेंस किसने बताया उनको? बताओ। तो हम भगवान का इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते, परंतु हमने क्या किया, भगवान को इंपॉर्टेंस देने की जगह भगवान को एक तरीका बना दिया, मीन्स को क्या कहते हैं प्रभु जी, माध्यम बना दिया पैसे कमाने के लिए भी, कि भगवान को सुबह जाएगा एग्जाम जाता है ना तो वहाँ ढोक दे के जाएगा, एग्जाम उनको देना है। अब उसके नंबर अच्छे नहीं आते, बदमाश ने खुद पढ़ाई नहीं करी और गाली किसको देता है प्रभु जी? भगवान। नहीं, ये चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। प्राइम ऑब्जेक्ट भगवान है,
प्राइम ऑब्जेक्ट भगवान है, सारे कार्य उनके चारों तरफ रिवॉल्व करने चाहिए, तब जीवन सही बैठता है। बताइए अगर हम नॉर्मल बात करें प्रभु जी, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति दुनिया में कौन है? भगवान के सिवाय कोई है? उनको कहां कर दिया हमने? उनको डिग्रेड कर दिया, सेकंड कर दिया, उनका तो यूज कर रहे हैं हम। अब क्योंकि ये हालत हो गई है आज, माता पिता को यूज किया जाता है कि सेवा करी जाती है? बताओ मुझे, सच बताओ। आपने भी किया है, आपके बच्चे भी करेंगे। हाँ ध्यान रखना, कई बार मेरे पास बहुएं आती हैं और सास आती है, बहू ऐसा कर रही है, मैंने आपने अपने सास के साथ क्या किया था? फिर जवाब नहीं देती। मैंने कहा मैं मुंह फटा आदमी हूँ, मैं आईना दिखाऊंगा, है ना प्रभु जी, कि सास आती है मेरी बहू सही नहीं कर रही है, ये है वो है, मैंने आपने अपने सास के साथ क्या किया, रखा था साथ, सेवा करी थी। तो जहाँ से वो लड़की आई उसकी माँ ने भी ऐसा किया था। अच्छा कैसे हो जाएगा प्रभु जी, बताना मुझे जरा। होगा, हमने भी तो वही किया प्रभु जी, हमने पूरा जीवन सिर्फ शोषण करने में लगा दिया एक दूसरे का, जिसको चांस मिला। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो हिल जाओगे आप। वानप्रस्थ और संन्यास में तो बच्चों से अलग हो जाता है व्यक्ति, जब ये शास्त्र कहते हैं 25% उसको जो भी जो कमाई होती है ना प्रभु जी, कैसे बताया 50% दान, 25% अपने पे खर्च कर, 25% जब बचा ले, क्या कर ले, चार रोटी अगर मरे मैं तो खाते कमाते ही चार रोटी हुआ, उसमें दो दान कर, एक पा एक रख ले। किस लिए? कि जब पति पत्नी, कलयुग के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है, कलयुग के लिए संन्यास एक्चुअली निषेध है, एक्सट्रीम सर्कमस्टांस में बोला गया संन्यास लेने के लिए। तो पति पत्नी को 50 साल, 50 साल का मतलब है 50% लाइफ। आज हमारा एक डिवोटी थे किस्म से, परंतु सोचते मैं आगे बढ़ के ना आगे चल के थोड़े साल और के बाद में भक्ति करूँगा। जो 29 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई आज सुबह। कितने साल की उम्र में होगी? खट्टा कट्टा लड़का, कितने साल का था प्रभु? सिर्फ 29। हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि हम यमराज के दामाद हैं कि हमें ही ले जाएगा। कलयुग में तो कलयुग का एक लक्षण है प्रभु जी कि पिता पुत्र की अर्थी उठाएगा। ये किसका लक्षण है? ये कलयुग का लक्षण है। ये सही बात नहीं मानी गई, ये सही नहीं होता, ये पापमय जीवन का असर है। ये पापमय जीवन का असर है कि जहाँ जो पिता है वो पुत्र की अर्थी उठाए। नहीं नहीं, परंतु हुआ, हम लोग भी फॉर गारंटेड ले लेते हैं। तो इसको बदलें कैसे, इसको बदलें कैसे? तो 25% जो बचाते हो ना प्रभु जी, वो वानप्रस्थ में काम आता है। उस टाइम आप बताऊँ क्या करते हो वानप्रस्थ में? आप अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ देते हो अपने बच्चों के प्रति, आप अपना जगह में रहते हो। क्या करते हो मैं बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक बताता हूँ एग्जाम्पल। एक कपल, लड़की की शादी हो गई प्रभु जी, ठीक है, एक दो महीने हो गए, तो उन्होंने कहा बेटा अब हम चले। बोले कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हमने अपना फ्लैट जो ले रखा है हम उधर जा रहे हैं, ये किराए पे है, अब हम वहाँ रहेंगे। और मतलब पिताजी आपकी, बोले हमारा काम अब खत्म हो गया, हमारा काम, हमने तुम्हें पाला, अब तुम अपने बच्चों को पालो। क्या करो? अब तुम अपने बच्चों को पालो, हमें भक्ति करनी है। क्या करना है? हम क्या जीवन भर तो यही करते रहेंगे? आपको एक चीज बता दूं, दादा दादी का हमारे शास्त्रों के अंदर कोई भी ड्यूटी नहीं बताई गई है, सिर्फ माता पिता तक ड्यूटी बताई गई है। कहाँ तक प्रभु जी? माता पिता तक, इसके आगे कोई ड्यूटी नहीं है। ध्यान रखना, दादा दादी इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। सॉरी क्या करूँ, सत्य सुनना है सुनो, नहीं सुनना बस सुनो, मेरा काम है सत्य बताना। पेरेंट्स तक की ड्यूटी है प्रभु जी। उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम बोलोगे जरा बच्चा ध्यान रखो, हम जरा पार्टी में होके आते हैं। बोले हमारा क्या यही रह गया काम? हम अपने अपने लिए कब सोचेंगे? हम अपनी भक्ति कब सोचेंगे? तो वानप्रस्थ ये है कि आप शादियों में भी नहीं जाओगे। फिर आज एक चीज आपको रियलाइज करते होगे, पहले आप लोग रिश्तेदारी में ज्यादा घूमते थे, आपके बच्चे नहीं घूमते हो, क्योंकि सारी में तो आप चले जाते हो, उनका कनेक्शन कहाँ बनेगा? बनेगा सत्संग में कौन जा रहा है? अरे आप जाइए ना सत्संग में, बुढ़े हो गए अब, हमारा टाइम थोड़ी है। नहीं बेटा, कॉलेज जाना तो तेरा भी काम है। नहीं है प्रभु जी, ये तो कॉलेज है, गुरुकुल के अंदर दोनों शिक्षाएं दी जाती थी, आध्यात्म की भी और भौतिक की भी। इसीलिए वो 25% बचाने को बोल रहे थे कि उस 25% जो बचेगा वो क्या करोगे आप? अपना जीवन दोनों मिलकर, अपना बच्चे पर डिपेंडेंट नहीं है फिर। जब भी बच्चों के लिए कभी जिंदगी में लोन मत लेना, उनकी पढ़ाई के लिए गलती मत कर बैठना। अगर लायक होगा तो पढ़ेगा, नालायक होगा तो रहने दो। सॉरी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना जितना आपके काबिल है उतना देना सही है, उसके आगे मत कोशिश करो। कलाम ने लोन लिया था, अब्दुल कलाम बना। आप बच्चों को निपुंसक बना देते हो। क्या करते हो? निपुंसक बना देते हो। हमारे शास्त्र कहते हैं पिता को अपना सारी जायदाद लड़की को दे देनी चाहिए। किसको? लड़की को। हाँ जी, और लड़के को सिर्फ अपनी गद्दी दे के जाए। क्या? नॉलेज। अगर बिजनेसमैन है तो अपनी गद्दी दे,
उसको अब वो कमाए जीरो से कम कमा तू भी कमाना। और हम लोग इस चक्कर में रहते हैं घर ऐसा बनाए जिसमें चार सात पुश्ते रहे, मतलब सात पुश्तों को निकम्मा कर दो, क्या कर दो, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान आप लीजिए। उसके लिए हमने इतना सरल कर दिया प्रभु जी कि 13.5 घंटे के अंदर भगवद गीता समझ सकते हैं।